हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पीनट की खिचड़ी। तो आइए देखें उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये हमारे यहाँ गुजरात में उपवास में ये बनाई जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आलू पीनट की खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है अक्खा जीरा, हल्दी पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच नमक, आठ से दस करी पत्ते, शक्कर एक बड़ा चम्मच, नींबू का रस, धनिया पत्ते, और हमने लिया है पीनट क्रश करके, हरी मिर्च हमने बारीक चॉप करके ली है, अदरक छील लिया है हमने, ग्रेट कर लिया है एक इंच का टुकड़ा, अक्खा मरी और आलू और टमाटर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने गैस पे तवा गरम करने रख दिया है, उसमें ऑयल हमारा हीट हो चुका है। एक बड़ा चम्मच जितना ऑयल लिया है, उसमें करी पत्ते और अक्खा जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा रोस्ट होने के बाद हमने इसमें अदरक और मिर्ची, हरी मिर्च डाल दी है। अभी हम इसमें टमाटर, हमने जो बारीक चॉप करके लिया है एक बड़ा टमाटर, वो इसमें डाल देंगे और बराबर मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे और उसे बराबर से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जो आलू लिया है बॉईल किया हुआ, दो बड़े आलू है उबले हुए, वो इसमें डाल देंगे, मरी पाउडर, ब्लैक पेपर और ये शक्कर हमने जो ली है बड़ा चम्मच जितनी, वो डाल देंगे, नींबू का रस, आधे नींबू का हमने रस लिया है। अभी हम इसको बराबर से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले हमारे बराबर से मिक्स हो चुके हैं। अभी हमने पीनट का जो क्रश करके लिया है, पूरा क्रश नहीं करना है हमें, थोड़ा अक्खा रखना है, क्रंच आए ऐसा, तो ये वो उसमें हम डाल देंगे और बराबर से मिक्स कर लेंगे। स्टोव को हम ऑफ कर देंगे और इसे गरम गरम ही सर्विंग बाउल में दही के साथ परोसेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप आलू पीनट की खिचड़ी और अपने अनुभव हमें जागृति इस वेज फूड पे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।